Himlands Gang. Top 5 saddest moments. Enjoy this video. भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा इविल है यार। तुम लोगों को याद होगा थर्ड सीजन में कोई भी चीज की गड़बड़ होती थी ना कहीं भी, तो हम लोग विजर्ड के पास जाते थे। इसने इतनी अच्छी अपनी इमेज यहाँ पर बना के रखी हुई है कि कोई बंदा इसके खिलाफ सुन ही नहीं सकता है। भाई विजर्ड भाई तो अगर मेरे को सुन पा रहा है ना बेटे, तो मैं तो बस एक ही चीज बोलने वाला हूँ, जो तेरा कजन भाई है ना जुड़वा भाई, वो तुझसे 1000 गुना ज्यादा बेटर है। तू एक नंबर का नीच इंसान है और तेरे को मैं एक्सपोज करने वाला आज एसजीओ के सामने। भाई तेरे को ना लात मार के हम लोग बाहर निकालने वाले अपने किंगडम से, तू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। वेक अप टू रियलिटी। ये पता क्या बता रहा है यहाँ पे कि इसी ने विजर्ड को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ। पिछले सीजन में कहे जब हम लोग डार्क एंटिटीज को कैप्चर कर रहे थे ना, उस वक्त भी ये लोग देख रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने क्या किया, जैसे ही हम लोग उनको कैप्चर करके बाहर निकले, मैं तो मर गया था वहाँ पे, और ड्रीम बॉय और एज़ो जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, इसके उसके भाइयों ने क्या किया, विजर्ड को पकड़ा और एक जेल के अंदर कैप्चर किया, और वो भी अधमरी हालत, वो हिल नहीं सकते ना। विजर्ड को फर्स्ट टाइम पे लाइक लास्ट उसके लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में ही उठा दिया था इन लोगों ने भाई, और तब से लेकर आज तक वो फेक विजर्ड बन के हमारे साथ पूला लाला। एंड यहाँ पे ओ माय गॉड, अकेले पकड़ा हुआ था इसको, एरी कैसल के अंदर ही थी। पता है ना मेरे को पता था, ना ड्रीम बॉय को पता था, ना ही एसजीओ को पता था, ना तो मिस्टर फ्रांस जी को पता था कि गेड़ा लगा हुआ है विजर्ड को, हम लोग पक्का इसकी मदद करने जाते हैं। हम लोग तो भाई खुद यहाँ पे होगा लाला वारो को पकड़ने में यहाँ पे गेड़ा दिया हुआ था हमने, रोकने की पूरी कोशिश करी थी, बल्कि रोक भी दिया था। माय गॉड दैट वाज नॉट गुड यार, ये बेचारा अकेला यहाँ पे लड़ रहा था तब से लेकर, देखो भाई हर जगह भाग रहा है ये बंदा। ओ माय गॉड सॉरी है भाई विजर्ड भाई, हमने बहुत ज्यादा शक किया इस बंदे पे भाई। ओ माय गॉड विजर्ड ने हार मान ली यहाँ पे, आई गेस इसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है गाइस, ये दो बंदे इसको बहुत भाई कितना ही ज्यादा गंदा युद्ध हुआ इनके बीच में, अभी यहाँ पे पकड़ लिया इसको यहाँ पे। तो दिस वॉज द मोमेंट जब विजर्ड यहाँ पे हार मान गया भाई, क्योंकि विजर्ड की हेल्थ जा रही है, दोनों माया भी बंदे भाई, इसको निकाल के एक सेकंड कितना खतरनाक सामने वाले पोर्टल और होगलू खेल रहे सामने, आप क्या दिख रहे हो? अरे आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, सामने देखो। अरे आप क्या कर बोल रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे सिवा है। आपको आई गेस आपको कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है आपके साथ, आप बैठ जाओ यहाँ पे, आ जाओ साइड में आ जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे, आ जाओ। माय गॉड गाइस ये वो वाला कलोन है होगा लाला का जिसको हम लोगों ने पोर्शन ऑफ पीस मारा था। हीरो ब्रायन तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, मेरे भाई तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, हम लोग दोस्त हैं। नहीं तू जा रहे तो व्हाट गाइस, तुम लोग को मैं क्या, व्हाट द हेल इज जज, ओ माय गॉड गाइस, हीरो ब्रायन ने मेरे को लास्ट में बोला कि हम लोग दोस्त नहीं है और कभी भी नहीं बन सकते, अभी तू धोखेबाज है, उसने मुझे धोखेबाज का और बोला कि चला जाए यहाँ से, मैं कभी नहीं आने वाला तेरे पास वापस, और अगर कोई मुसीबत भी पड़ी तो मैं तुझे मारूंगा, मतलब वो मुझे मारेगा। ओ माय गॉड स्मार्टी कहाँ पे है, बिकॉज उसके रेडिएशन आ रहे थे यहाँ पे, सबसे शक्तिशाली इंसान के रेडिएशन इस लोकेशन से आ रहे थे, तो जल्दी से जल्दी बता स्मार्टी कहाँ पे है, क्या खुद ही तू ही शक्तिशाली है, तू का शक्तिशाली भाई, एक एक ट्राइडेंट पड़ा ना, एक ट्राइडेंट तो भाई रोने लग जाएगा तू यहाँ पे, रोने समझा क्या, क्या ट्राइडेंट क्या, मैं दिखाऊ मार के, मैं दिखाऊ मार के, अबे भाई ल
अप्पू ना करे। मेरा एम को भी चुकता नहीं है भाई, तेरा एम अभी के अभी चुका है यहाँ पे। एक सेकंड, ये पक्का लावा है ना भाई? वेट, अपनी वॉल्स के पास चलो, जो हमारी लास्ट वॉल्स देखी थी हमने। अरे भाई, ये एक्चुअली में हमारा इलाका है, जाएंगे कहाँ से हम यहाँ पे? साड़े को चलो जल्दी उधर पर। भाई, ये किस बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा पूरा हिमलैंड्स? यार यहाँ पे देखो भाई, ये रेल सिस्टम, ये हमारे हिमलैंड्स के बैक साइड वाला इलाका, ये देखो वो सामने वाला विलेज। वो देखो स्मार्टी भाई, वहाँ पे जो लावा है वो हमारा फार्म था, याद है जो फलाने जी ने बनाया था? हाँ, वो वाला फार्म। यहाँ पे कितनी फाइट्स करी हम लोगों ने स्मार्टी भाई, किसने किया होगा? ड्रीम बॉय। अरे हमारी वॉल्स किस, व्हाट, ड्रीम बॉय सामने देखो यहाँ पे भाई, गया भाई मेरे ब्लड से मारा। गाइडिस का काम है, फलाना जी का काम है, मैं कह रहा हूँ इन लोगों को लपेटते हैं, जाके आ जाओ। नहीं नहीं देखो, लपेटना तो है, अब तो मेरे दिमाग के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका है, अभी हमको लपेटना है इसको, गारंटीड। फटाफट चलो डार्क हिमलैंड, वहीं पे हमें फलाना भी मिल जाएगा और प्रोफेसर भी जानता है कि वहाँ मिल जाएगा हमें। फलाना अगर मिला तो उसे लपेट देंगे भाई। क्या मेरे जान नंबर के अंदर बांटा भैया वगैरह, मेरा हाई ची भाई, जिसने भी किया मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ मत जाओ अंदर। गाइस अंदर रहती है, आपको याद है सीजन 3 याद है आपको, जब फर्स्ट टाइम आए थे मैं, आप लोग, आप तो इंसान लोग, आप लोगों से लड़ता था मैं, जस्ट बिकॉज मेरे जानवरों को आप लोग कैप्चर करते रहे, मेरी बिल्ली को, स्लेंड्रीना को, या फिर मेरे डॉग को, मेरे बाटा भैया को चोरी करता, आप लोगों से लड़ रहा था, वो तो मर गए शायद अभी अंदर। आई हैव टू मेक श्योर गुरु को नीचे को चलना पड़ेगा एक बारी। If you guys like this video of today, then like the video and subscribe to my channel and tap the bell icon. Thanks for watching.